अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मलेशिया का सेकंड टॉपिक है जो कि है कॉन्फ्रेंस ऑफ रूलर्स, जिसे हम मजलिस राजा राजा भी कहते हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, रेलिवेंट प्रोविजंस, इसकी फॉर्मेशन, फिर इसके फंक्शंस और बाकी की इन हेडिंग्स को। तो वक्त को जाया किए बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन की बात करें तो हमारे पास आता है कॉन्फ्रेंस ऑफ रूलर्स, जिसे हम मजलिस राजा राजा भी कहते हैं। इसमें जो टोटल स्टेट्स हैं वो 9 स्टेट्स हैं। इन स्टेट्स के जो रूलर्स हैं वो मिलकर एक किंग को सिलेक्ट करते हैं। किंग को हम क्या कहते हैं? यंग दी परतुआंग एंगोंग। ये 9 जो स्टेट्स हैं उनके जो रूलर्स हैं वो मिलकर एक किंग यानी यंग दी परतुआंग एंगोंग को सिलेक्ट करते हैं। अब अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए मलेशिया के, तो 9 स्टेट्स नहीं है बल्कि 13 स्टेट्स हैं, 13 स्टेट्स हैं। तो बाकी की 4 स्टेट्स फिर कहाँ पे गई? तो यहाँ पर हम बात करते हैं इसके थोड़ी सी हिस्ट्री की। तो 1957 में इसको इंडिपेंडेंस मिली, तब वहां पर 9 स्टेट्स थी। 1962 में ये प्रॉपर एक मलेशिया जो जिसमें एक फेडरेशन थी वो कंट्री बना, और वहां पर 2 स्टेट्स ऐड हुई जो कि एक थी सबा और दूसरी थी सरावक। ये 2 स्टेट्स इसके साथ मिली तो ये टोटल होगी 11 स्टेट्स। 11 स्टेट्स होगी। 1965 में क्या हुआ? 1965 में जो फेडरेशन थी वो 3 स्टेट्स को मिलाकर आपस में एक स्टेट बनके फेडरेशन बड़ी मजबूत बनी हुई थी। लेकिन वहां पर 2 जो स्टेट्स थी जिसमें एक था सिंगापुर और दूसरी थी ब्रूनी, ये जो 2 स्टेट्स थी ये सेपरेट हो जाती हैं और इंडिपेंडेंट हो जाती हैं। जब ये दोनों सेपरेट और इंडिपेंडेंट हो जाती हैं तो टोटल बनती है 13 स्टेट्स। तो ये 13 स्टेट्स तो बाद में बनी, लेकिन जब स्टार्ट हुआ 1957 से तब ओनली 9 स्टेट्स वहां पर मौजूद थी। तो इस वजह से जो 9 स्टेट्स हैं उन्हीं के रूलर्स इकट्ठे होते हैं और वही सिलेक्ट करते हैं एक अपने में से, उनमें से ही एक सिलेक्ट होता है जो किंग बनता है, जिसे हम कहते हैं यंग दी परतुआंग एंगोंग, और वो होता है मनार्क, कॉन्स्टिट्यूशनल मनार्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है रेलिवेंट प्रोविजंस। रेलिवेंट प्रोविजंस की बात करें तो इसमें सिर्फ एक सेक्शन डील करता है, सेक्शन 38। इस पूरे क्वेश्चन से सिर्फ एक सेक्शन डील करता है, सेक्शन 38। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है इसकी फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ रूलर्स। तो इसमें जैसे हमने इंट्रोडक्शन में बात की थी बिल्कुल वैसे ही जो 9 स्टेट्स हैं इन्हें हम कहते हैं मेली स्टेट्स। ये जो 9 स्टेट्स हैं ये मिलकर मतलब इनके जो रूलर्स हैं वो मिलकर एक किंग को यंग दी परतुआंग एंगोंग को सिलेक्ट करते हैं अपने में से, और वो जो है वो बड़ा ही पावरफुल होता है, लेकिन इनकी कंसेंट मौजूद होती है, वो आगे हम बात करेंगे। तो इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, यहाँ पर आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन करके इसकी फॉर्मेशन को कंप्लीट कर देना। उसके बाद हमारे पास आते हैं फंक्शंस। इनके फंक्शंस कौन कौन से हैं? सबसे पहले इलेक्टिंग यंग दी परतुआंग एंगोंग, जैसे हमने अभी बात की कि ये आपस में मिलते हैं, 9 स्टेट्स मिलती हैं, उसके बाद अपने में से एक को सिलेक्ट करती हैं जिसे हम कहते हैं द किंग। तो पहला फंक्शन इनका ये है। दूसरे नंबर पे एडवाइस टू यंग दी परतुआंग, जो एडवाइस है मतलब उनमें से ही एक बंदा सिलेक्ट होता है जो किंग बनता है आगे फ्यूचर में जाके, तो वो क्या करते हैं उन्हें एडवाइस कर सकते हैं, उस बंदे को जो किंग है उसको एडवाइस कर सकते हैं। किन किन फैक्टर्स पे एडवाइस कर सकते हैं? सबसे पहले जब मुल्क में एमरजेंसी नाफिज करनी हो तब, या फिर जब पार्लियामेंट को डिसॉल्व करना हो, या फिर जब प्राइम मिनिस्टर की सिलेक्शन हो, इन 3 कामों में ये एडवाइस कर सकते हैं ये यंग दी परतुआंग एंगोंग, या फिर इसे हम द किंग कह सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है अप्रूविंग अमेंडमेंट्स। अब जो अप्रूविंग अमेंडमेंट्स है, कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट है वो तब तक अप्रूव नहीं हो सकती जब तक जो किंग है यानी यंग दी परतुआंग एंगोंग है वो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ रूलर्स के साथ बैठ के इनकी कंसेंट मालूम नहीं करता, उनकी मर्जी मालूम नहीं करता। अगर सारे मुत्तफिक हो जाते हैं एक पॉइंट पे फिर ये वाला पॉइंट भी सक्सेसफुल हो जाता है।
और लास्ट पे आता है रिलीजियस एक्ट्स। रिलीजियस एक्ट्स की अगर बात करें तो जो किंग है वो रिलीजियस एक्ट्स को अकेला नहीं बढ़ा सकता, एक्सटेंड नहीं कर सकता, उसमें भी उसे राय चाहिए होगी, एडवाइस चाहिए होगी, उनकी कंसेंट चाहिए होगी, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ रूलर्स की मुकम्मल मर्जी चाहिए होगी। अब यहां पर हमने इनकी इनके फंक्शंस या इनकी पावर्स को डिस्कस किया कि कितनी पावर्स हैं, लेकिन अगर बात की जाए हकीकत की तो हकीकत में इनके पास इतनी पावर्स मौजूद नहीं है, क्योंकि जो यंगदी परतुआना गोंग है और जो उसकी कैबिनेट है वो ज्यादा पावरफुल है। वो कैसे, इस पॉइंट में हम पढ़ते हैं कंट्रोल ऑन मैटर्स या कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने का मैटर या फिर पॉलिसी मेकिंग का मैटर। अब अमेंडमेंट का आपको पता चल गया कि उनकी कंसेंट जरूरी होती है, वो एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन ये परमानेंट नहीं होते। मतलब जो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ रूलर्स है इनकी परमानेंट पावर नहीं होती, ये सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं। जो परमानेंट पावर होती है वो द किंग उसके हाथ में ही होती है, और वो और उसकी कैबिनेट अगर मिलके कोई फैसला कर देते हैं तो फिर इन्हें वो एक्सेप्ट करना ही करना पड़ता है। उसके बाद दूसरा जो इसमें कंट्रोल ऑन मैटर्स में पब्लिक पॉलिसी आती है, वहां पर भी जो मुकम्मल हाकमियत होती है वो यंगदी परतुआन अगोंग की होती है, यानी द किंग की होती है। यहाँ पर भी इनको अपनी मर्जी का इजहार करना ही होता है, चाहे इनकी कोई कंसेंट हो, दिली राय हो या ना हो, इन्हें मानना ही पड़ता है। क्योंकि अगर किंग और उसकी जो कैबिनेट है वो ही मुत्तफिक हो गए तो फिर उन्हें जो क्लॉज 2 है कॉन्स्टिट्यूशन का वो मुकम्मल पावर देता है। ये हम एग्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में इसे मजीद देखेंगे कि किस तरह से पावर देता है, कितनी पावर देता है, वहां पे आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात एक जहन में रख लें कि जो किंग है और उसकी कैबिनेट है वो मिलकर कोई फैसला करना चाहे तो फिर इनको वो फैसला मानना ही पड़ेगा। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है लॉ डज नॉट इफेक्ट। लॉ जो है वो डज नॉट इफेक्ट, मतलब क्या है इसका? यहाँ पर मतलब ये आता है कि जो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ रूलर्स है, जब तक इनकी प्रायर कंसेंट ना हो, मतलब सबसे ऊपर मर्जी ना हो, ये सारे मिलकर ना चाहें, तब तक जो रॉयल हाइनेसीज हैं, मतलब जो सुल्तान है, राजा है, द किंग है, या फिर उसे हम कह सकते हैं किंग को यंगदी परतुआना गोंग है, ये जो सारे हैं, इनकी जो रिस्पेक्ट है, इनकी जो डिग्निटी है, इनकी जो ऑनर है, या फिर इनकी जो पोजीशन है, उसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकती जब तक ये ना चाहे। ये एक रियल पावर भी आप समझ सकते हैं कि इनके पास है। और लास्ट में हमारे पास पॉइंट आता है मेंबर्स ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ रूलर्स मे एक्ट इन डिस्क्रेशन, मतलब जो अपनी मर्जी से कोई इकदाम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अगर ओवरऑल बात की जाए तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे आला होता है, और ये चूंकि लॉ के मातहत होते हैं तो अपनी डिस्क्रेशन, अपनी मर्जी बहुत कम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दो एग्जांपल्स हमारे सामने आती हैं। पहली एग्जांपल हमारे पास आती है सेक्शन 38(2)(c). इसमें क्या है कि जो मेंटली बिसार है, यानी कि जो चीफ मिनिस्टर है, उसकी जो सिलेक्शन होती है, वो जो एक रूलर होता है एक स्टेट का, जो कि इन 9 स्टेट्स का मिलकर जो सारे रूलर्स होते हैं उनमें द किंग एक सिलेक्ट होता है, और जो वो रूलर्स होते हैं एक एक सारी कंट्रीज के, उनके पास ये पावर है, उन्हें सेक्शन 38(2)(c) ये प्रोवाइड करता है पावर कि वो जो चीफ मिनिस्टर है उस स्टेट का, उसे सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी डिस्क्रेशन, अपनी मर्जी से। और दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास आती है कि जो यंगदी परतुआन अगोंग है वो 40A1 के तहत, इस आर्टिकल के तहत उसके पास ये पावर है, उसकी मर्जी है कि वो जिसे चाहे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो या इस वीडियो की समझ आ गई तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।